हम लोगों ने कल क्या सीखा था? जोड़। और क्या सीखा था? हटाओ। आज हम लोग देखते हैं बार बार जोड़ की अवधारणा देखते हैं, बार बार जोड़ की अवधारणा। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। यस सर। बार बार जोड़ने, देखिए ये क्या है दो, ये क्या है दो, ये क्या है दो, ये क्या है दो। अब देखिए ये कितने बार क्या है, ये दो दो, ये दो को जोड़ की अवधारणा हम लोग सीख चुके हैं। किसको कहते हैं? बार बार मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। तो आप खड़े हो जाइए, कितने बार किसको मिला रहे, कौन से अंक को? दो को मिला रहे। कितने बार मिलाया? चार बार मिलाया, चार बार मिलाया। कितना को मिलाया? दो को। तो चार को चार बार दो को मिलाएंगे तो कितना होगा? आठ होगा। तो यही हम बार बार मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बार बार मिलाने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा तुम बताओ, ये कौन सा अंक है? तीन। कितने बार इसको हमने लिखा? पांच बार। तो आप पांच बार तीन को मिलाएंगी तो कितना होगा? पांच पंद्रह, पंद्रह होगा। एकदम बहुत अच्छा। पंद्रह हुआ। अच्छा तुम बताओ, उठो यहाँ देखिए, ये कितना है? चार। ये चार। ये चार। चार। कितने बार इसको लिखा मैंने? तीन बार। तीन बार इसको मिलाएंगे तो कितना होगा? बारह। तो तीन बार मिलाया, किसको मिलाया तीन बार? चार को मिलाया। कितनी बार? कितना हुआ? बारह। तो बार बार मिलाने को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। बच्चों हम लोग कुछ क्रियाकलाप देखेंगे। क्या देखेंगे? आप अपने अपने पेन ले आइए, तो यहाँ मेरे पास आइए, पेन लेकर आइए, अपने अपने यहाँ कीजिए। सब ने एक लाइन से पेन दीजिए, अपने अपने पेन दो, अपना अपना पेन दो, पेन ले लो बच्चों, पेन लाओ, पेन दो, पेन दे दो, पेन दे दो। हेलो, पेन दे दो, अपना पेन, चलो हम लोग थैंक यू, धन्यवाद। चलिए अब हम लोग इसको एक क्रियाकलाप देखेंगे। ऊपर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दो। कितने बार है? चार बार। आज हम लोग एक क्रियाकलाप, आइए यहाँ चलो, इधर आओ तुम। वहाँ पर क्या, कौन सा अंक लिखा हुआ है? दो। कितने बार है? चार बार। लीजिए, रखिए चार जगह इसको, दो दो करके रखिए, टेबल पर रखेंगे, नहीं नहीं एक साथ रखेंगे, हाँ ये रखिए, और अलग थोड़ा रखेंगे, हाँ और कितने बार रखा? चार बार। कितने कलम को रखिए? दो कलम। दो को। अब इसको हम लोगों ने क्या सीखा था? मिलाना। क्या करना? अब सबको मिलाइए, चार बार मिलाइए दो दो करके, आठ आठ हो गए। इसको सबको मिलाइए, मिला दो, हाँ। अब इसको काउंट कीजिए, एक दो करके गिनो, अब इसको दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। हाँ कितने हुए? वहाँ पर कितना आया? दो को चार बार मिलाएंगे तो कितना होगा? किसी को गुना कहते हैं। क्या कहते हैं? गुना। यही हम लोग कार्य पत्रक में बनाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद उसको हम लोग बनाएंगे। चलो।